वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वे सिविल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो आप लोगों को नॉलेज हम शेयर करेंगे, बहुत ही तगड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि विदाउट टीबीएम आप काम कैसे करेंगे ये आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। जो विदाउट टीबीएम आप काम कैसे करेंगे ये हम तरीके से बताएंगे आप लोगों को, बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना आए काम करने के लिए। तो अभी मान के चलिए कहीं जगह पे आप चले गए हैं और विदाउट पॉइंट कैसे काम कर सकते हो, टोटल को लेकर हमारा एक वीडियो है, जिसमें जाकर आप नॉलेज ले सकते हो। वीडियो के दौरान मैं आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो वीडियो का एंड स्क्रीन में भी ऐड कर दूंगा। अदरवाइज जो आपको मेन चीज समझना है वो समझ लीजिए, पहले मेरे राय ले लीजिए, वो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि आपको बेहतर समझ में आएगा। उसमें हम एसओ लाइन का इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाया था, लेकिन हम अभी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएंगे उसको कैसे करना है। तो मान के चलिए हम एक प्लांट के अंदर चला गया है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट नहीं है, विदाउट कोऑर्डिनेट और विदाउट टीबीएम, ना कोऑर्डिनेटेड ना टीबीएम है, कुछ नहीं है। हमको सिर्फ एक टोटल लोकेशन दिया गया है, बोला ये प्लॉट में आपको सर्वे करना है विदाउट टीबीएम, आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारा जो फेसर बंदा है का इस सवाल है, जो सर हम कैसे करें विदाउट टीबीएम, बहुत ही क्वेश्चन आया था। जो फेसर बंदा है जो अभी स्टार्टिंग कर रहा है सर्वे रिलेटेड, अभी काम कर रहा है, जो पढ़ने के बाद पास आउट होने के बाद एक दो साल काम किया है, वो ये सवाल पूछ रहा है जो हम कैसे करें। तो उसके लिए हमें वीडियो बनाया है, अगर कोई एडवांस लेवल का देख रहा है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेने के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, जो बोल रहे थे अभी क्या करना है आपको, जो प्लांट मान के चलिए दे दिया है, मान के चलिए आपके पास अर्थ है, अर्थ में आप लोगों को क्या करना है ना, आपको नॉर्थ कहाँ है पहले फाइंड करना है, ठीक है। नॉर्थ क्यों फाइंड करना पड़ रहा है इसके लिए हम बाद में बताता हूँ, पहले आपको नॉर्थ कहाँ है वो देखना है। हर किसी के मोबाइल में अभी कंपास रहता है, अगर कंपास नहीं है तो मैनुअली निकल सकते, एक ग्लास के अंदर पानी ले लीजिए, पानी के लेकर के बाद एक सुई ले लीजिए, ठीक है, जो सुई और धागा जो सिलता है ना उस वो ले लीजिए, सुई और एक पत्ता ले लीजिए, एक पत्ता के ऊपर रख दीजिए और वो क्या है ना रोटेशन होकर घूम जाएगा वो पानी, ग्लास जो है उसमें पानी रख दीजिए और पानी का कोई भी पेड़ का छोटा पत्ता ले लीजिए पेड़, ठीक है, और पत्ता लेने के बाद उसके ऊपर वो सुई रख दीजिए और वो रोटेशन हो जाएगा, जिधर होगा वो नॉर्थ हो गया। अदरवाइज मोबाइल में है बहुत सारा तरीका है नॉर्थ ढूंढने का। उसके बाद क्या करेंगे ना, आपको एक टीबीएम बनाना है, ठीक है, परमानेंट टीबीएम बनाना है जिधर आप सर्वे करने के लिए गया है, तो आपको परमानेंट टीबीएम बनाना है। कैसे बनाएंगे, मान के चलिए इधर एक टीबीएम दे दिया, कॉन्क्रीट कर दिया और उसके बाद पॉइंट छोड़ेंगे, अभी उसको टीबीएम बनाना है, पहले टीबीएम बनाना है, सारी वरिया देखे जैसे बनाते हैं, मसला वसला देखे सरिया दे दिया, जाम कर दिया उसको, जैसे ना हिले। टीबीएम हमको कहाँ छोड़ना है, जिधर हमारा वो परमानेंटली रहे, क्या परमानेंट भी नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन जब हम छोड़ेंगे जितना दिन हमारा काम चलेगा उसको हिलना नहीं, वहां से उधर ही रहेगा। तो दो पॉइंट हम जाम कर लिया और पॉइंट का दूरी हम बता देते हैं 100 मीटर का दूरी होना चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट टू एक पॉइंट का दूरी 100 मीटर होना चाहिए, क्योंकि हम 100 मीटर दूरी करेंगे तब भी आपको 0-0 परफेक्ट होगा, टावर्स भी कर सकते हैं जब करेंगे तब आपको इजीली मिल जाएगा बिना एरर का कोऑर्डिनेट। तो 100 मीटर दूरी में आप दो पॉइंट कर लिया, मान के चलिए उधर एक कर लिया और इस पे एक कर लिया, करने के बाद टोटल डिस्टेंस मान के चलिए बीच में बढ़ा लिया, बीच में बढ़ाने के बाद टील कर लिया मशीन को, टील करने के बाद सीधा सा फंडा एक दोहराना है, जो कोऑर्डिनेट आपका टोटल डिस्टेंस के अंदर है, जो नहीं है नहीं है, लेकिन जो रीडिंग है उसको सिर्फ देखना है आपको, सिर्फ उधर जूम रखिए और एक पॉइंट मान के चलिए ए पॉइंट इधर है बी पॉइंट उधर है, तो ए पॉइंट में पहले पिजूम रख दीजिए, पिजूम रखने के बाद उधर शॉट लीजिए, कहाँ से शॉट लेंगे ना ऑब्जर्वेशन में, आप टील कर लिया पहले, टील करने के बाद आप ऑब्जर्वेशन में आ जाइए, परफेक्टली टील कर लीजिए उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आ जाइए, ऑब्जर्वेशन में आने के बाद आप उसमें पिजूम रखिए, जो ए वाला पॉइंट पिजूम रखने के बाद ऑब्जर्वेशन करिए, मेजर कर लीजिए जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा ना उसका टोटल के अंदर सेव कर लीजिए ए पॉइंट बोल के, नहीं तो नोटपैड में नोट कर लीजिए, और जो एलिवेशन आपको रखना है वो एलिवेशन उधर रख के सेव कर सकते हैं मैनुअली। अदरवाइज जो एलिवेशन आपके पास रहेगा उसको अगर लेना है तो डायरेक्ट मशीन से सेट कर लीजिए, मतलब सेव कर लीजिए, वहां रिकॉर्ड बोल के ऑप्शन आता है उधर ही सेव कर लीजिए। अगर एलिवेशन चेंज करना है तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है, तो ऑब्जर्वेशन में नोट कर लिया पहला वाला पॉइंट जो आया ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड, और जेड आप डिसाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है, तो उस तरफ बी का भी ऑब्जर्वेशन लिया, फिर नोट कर लिया कोऑर्डिनेट, फिर ये हो गया। उसके बाद आप मैनुअली इनपुट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट टोटल डिस्टेंस का अंदर, जो कोऑर्डिनेट आप उठाए वो और एलिवेशन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं,
उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, उधर आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा जो मैनुअली कोऑर्डिनेट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं टोटल लेसन के दौरान। तो अभी काम क्या आ रहा है ना, हम लोग ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे ना, लोकल कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहेंगे? लोकल कोऑर्डिनेट। लोकल कोऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं, अब समझ आ रहा है ना, जो हम इसको बना रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको लोकल कोऑर्डिनेट कहा जा रहा है। लोकल कोऑर्डिनेट और यूटीएम कोऑर्डिनेट में अंतर होता है। अंतर ये है, मान के चले जो यूटीएम कोऑर्डिनेट वो गूगल से जीपीएस से कनेक्टेड है, ए ईस्टिंग नॉर्थिंग ए जगह का जो इधर खड़े हैं, तो इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग का वैल्यू गूगल के साथ मैच होगा, उसको यूटीएम कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और जो लोकल कोऑर्डिनेट उसके गूगल के साथ कुछ मैच नहीं होगा, लेकिन हम प्लॉट वाइज हम एरिया को बांध के काम कर सकते हैं, काम करने के लायक है वो, उसका कुछ एरर नहीं आएगा, किसी का दूसरा जोमेन भी सर्वे नहीं होगा, लेकिन वो लोकल कोऑर्डिनेट है, उसमें आप जीपीएस को दौरान इनपुट नहीं कर सकते, गूगल मैप के दौरान गूगल मैप में उसको इनपुट नहीं कर सकते, ना उससे एक्सपोर्ट कर सकते, कुछ लेना देना नहीं, उसको पहले यूट्यूब कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं, लेकिन काम के लिए आपको कुछ रुकावट नहीं आएगा लोकल कोऑर्डिनेट के दौरान। ठीक है, समझ गया ना, लोकल कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, लोकल कोऑर्डिनेट जो बना के आप काम करेंगे उसको ही लोकल कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो अभी हम जो हमारा दो टीबीएम है हम फिस्ट कर चुका हूं, कैसे लोड करना है वो भी दिखा दिया, वीडियो देख लेना, फिर नहीं तो ऑब्जर्वेशन में उधर आने के बाद जो कोऑर्डिनेट है वो नोट करने के बाद अभी क्या करेंगे हम लोग, टिल कर लिया दोबारा, फिर वही पॉइंट लेकर हम रिसेक्शन करेंगे, ए पॉइंट जो छोड़ा था बी पॉइंट उधर उसको लेकर हम रिसेक्शन करेंगे, ए पॉइंट बी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट हम डाला था, जो एलिवेशन हम सेट किया था उसके दौरान हम रिसेक्शन कर लिया, रिसेक्शन करने के बाद हमारा टोटल डिस्टेंस वो लोकल कोऑर्डिनेट में सेट हो चुका है अभी। और रिसेक्शन करने के बाद अब पूरा टावर्स कर लीजिए, जो प्लॉट में आप सर्वे करने के लिए गया है, जो आपको प्लॉट दिया गया है उसमें आप पूरा सर्वे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके पूरा जैसे ग्रिड वाइज सर्वे होते हैं, पूरा जमीन को कोऑर्डिनेट उठा लीजिए और उसको कॉन्टूर में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आपका सर्वे डेटा तैयार हो जाएगा। अगर कॉन्टूर को कन्वर्ट नहीं करना आता है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, तमाम वीडियो पड़ा है, नहीं तो बुरे मैं अलग से डेडिकेट करके बना दूंगा शुरू से लेकर एंड तक। और कभी भी उधर प्लॉट में आप काम करने के लिए जाएंगे, क्या काम करेंगे, तो वही कोऑर्डिनेट का दौरान आप टावर्स भी कर लीजिए पूरा एरिया का, टावर्स करके टीबीएम को फिक्स्ड कर दीजिए, उसके बाद जब दोबारा टोटल डिस्टेंस को फिक्स्ड करेंगे वही पॉइंट्स आप काम करेंगे, आपका जो कोऑर्डिनेट आया है एक्स वाई जेड जो भी है उसके दौरान आप काम कर सकते हैं। कभी भी उधर आप चले जाइए, वहां से आप सर्वे स्टार्ट कर दीजिए, चाहे 10 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर चले जाइए, वो कोऑर्डिनेट को लेकर आपको 0-0 मिल जाएगा, कुछ एरर नहीं मिलेगा और तरीका जो है 100% वर्कफुल है। आप लोग यूज करके देखिए, आप लोग इस्तेमाल करके देखिए, बहुत हेल्प आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा बंदा क्या करता है मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारा बंदा ये करता है जो 100 पकड़ लेता है, वो एक टीबीएम को 100 पकड़ लिया, उससे टेप माफी करके कोऑर्डिनेट बनाता है। ठीक है, सीधा करके उसका सीधा एकदम टेप पकड़ के जाता है, भाई अटेरा हो जाएगा, नॉर्थ इधर है, हमको 0-0 चाहिए। नॉर्थ इसलिए चाहिए, अगर आप मैनुअल कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो आपको नॉर्थ का जरूरी है। नॉर्थ डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, आपका जाएंगे तो टू नॉर्थ में रहेगा तो प्लस माइनस करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, अगर एंगल में रहेगा तो आप एंगल डिसाइड करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको नॉर्थ पहले ढूंढना आवश्यकता है, पहले आपको नॉर्थ डिसाइड करना है, पहले आपको नॉर्थ डिसाइड करना है। ठीक है, समझ गया, अभी नॉर्थ क्यों बोल रहा था, तो नॉर्थ का काम बाद में आता है लेकिन उसको शुरुआत पहले होता है, आदर्श वाइज आप कुछ काम कर नहीं सकते नॉर्थ का अलावा, नॉर्थ आपको पहले डिसाइड करना है, जो कहां है नॉर्थ वो ढूंढना है। क्लियर, जो बोल रहे थे बाद में, जो बहुत सारा बंदा क्या करते हैं, इधर 100 पकड़ लेते हैं, आगे और जो डिस्टेंस दे रहे हैं उसको जोड़ के एक टीबीएम बना दे, भाई क्या जरूरी है, टोटल डिस्टेंस ऐसा एक चीज है, उसको कुछ टीबीएम का भी जरूरत नहीं, वो ऐसे बताते हैं एरिया क्या है, वो आप इधर का कोऑर्डिनेट ऑब्जर्वेशन करेंगे, आज मशीन को टील करके अनसेट अवस्था में इधर का कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे, उधर का कोऑर्डिनेट ऐसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको दूरी बताएगा कैसा है, कौन सा एंगल में है, कितना डिग्री में है, पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये कह रहा हूँ, इसमें हम बहुत डीप में जाने के बाद आप लोगों को बातें शेयर करता हूँ जो हकीकत में होता है। मैं बहुत तरीके से ट्राई करता हूँ, जो ए करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं ना निकल के, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से काम कर सके, मेरे को एक ही इच्छा है, जो आप लोग अच्छे से काम करिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये चैनल आप लोगों का है, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप लोग बोलिए मैं वही करूँगा, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं हूँ, जो दिक्कत है वो बता रहा हूँ। अभी क्या है वो नहीं करने का, जो है हमारा ना उसको भूल जाइए, क्योंकि उसको जरूरी नहीं है जो 100 इधर पकड़ना है उधर 200 पकड़ना है, क्यों भाई, लोकल कोऑर्डिनेट ही हम पकड़ रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेट हमारा टोटल डिस्टेंस में जो है वही पकड़ेंगे,
हमको क्या जरूरी है। और रह बात आपको कोऑर्डिनेट डालने का, तो दो कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं तो आप तीसरा कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हो, उसमें कुछ आफत नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप टोटल लेसन का अंदर ऑब्जर्वेशन करके पॉइंट छोड़िए, आपको परफेक्टली 0-0 होगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा भविष्य में। समझ गया विदाउट पॉइंट में कैसे काम कर सकते हैं। और एक बात आप लोगों को नोटिस करना चाहूंगा, विदाउट टीबीएम इन कोऑर्डिनेट, मतलब आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है लेकिन टीबीएम मिल नहीं रहा है। इसके लिए मैं पहले से वीडियो बनाकर रखा हूं, जो आपके पास कोऑर्डिनेट है एक प्लॉट का यूटीएम कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, यूटीएम कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए रीजन है, लोकल कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा तो आप गूगल के सहारे ढूंढ नहीं सकते, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। जो आपको यूटीएम कोऑर्डिनेट अगर दिया गया है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो हाउ टू फाइंड लॉस्ट माय टीबीएम, मतलब अपलोड करके रखा हूं, नहीं तो आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो एनसी में भी मिल जाएगा, अब लोग चेकआउट कर सकते हैं जरूर, जो लॉस्ट होने के बावजूद भी हमारा टीबीएम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अभी अब लोगों को करना यही है, जो कहीं दूसरा साइड में जाएंगे सर्वे करना है विदाउट टीबीएम विदाउट कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, तो पहले आप लोगों को टू नॉर्थ अब हिसाब से करना है, जो हमारा नॉर्थ किधर है ढूंढना है, उसके बाद जो प्रोसीडर में बताया हूं उसके हिसाब से काम करना है। जो बता रहा हूं मैं 100% वर्कफुल है, अगर कोई बंदा बोल देगा जो नहीं होगा तो मेरे को कॉल करिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, और कुछ दिक्कत है तो मेरे को संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप में, नहीं तो कॉन्टेक्ट नंबर मेरा यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो मेरे को कॉमेंट करिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग सीख जाइए, जो दिक्कत मैं सॉल्व करूंगा आप लोग मेरे को थोड़ा सपोर्ट करिए, हम आप लोगों को 100% सपोर्ट करूंगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, बहुत सारा कमेंट किया था बोल के मैं इसको डाउट क्लियर कर दिया गया हूं, जो कैसे करें विदाउट कोऑर्डिनेट में सर्वे। टोटल डेसन को लेकर हमारा बहुत सारा तमाम वीडियो पड़ा है यूट्यूब चैनल में, आप लोग विजिट कर लीजिए, नहीं तो कुछ आखिरी दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। जो चलेगा इस आज का वीडियो तो इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।